हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बेटा लाखन जी पिताजी, तुझे आला के साथ जाना होगा। जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। ठीक है महाराज, आला खान को लेकर अपने साथ जा रहा हूं और बहुत जल्द विजय फतेह कर भाई उदल को छोड़ा के लेके बहुत जल्द आऊंगा। जाइए। वालेकुम अस्सलाम। शाशा जी। कहो मंडरिक। मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ। बतलाइए फिर क्या काम है। सुनो चाचा जी, मैं जरूर बता रहा हूँ। तो कुछ राय है तुम्हारी, क्या सलाह है तुम्हारी, क्या राय है तुम्हारी, क्या सलाह है तुम्हारी, और संकट में पड़ा भाई कैसे छुड़ाऊं उसको। आज संकट में पड़ा हुआ है। हाँ चाचा जी, तुम्हारी राय क्या है बताओ चाचा जी। पहले छुड़ाओ उसको दुख भोगता दुलारा, और निरपुय अभिनंदन से पाछे चले दुधारा। और निरपुय अभिनंदन से पाछे चले दुधारा। बड़ा भाई संकट भाई, और कैसे छुड़ाओ उसको, और बुजुर्ग हो आप तो बतलावो कुछ सलाह तो। चाचा जी, आप तो बुजुर्ग हैं, एक बाप के समान हैं, इसलिए आपको इस सलाह बताओ कि जिस सलाह से उदय चंद को ला सकूं। सुनो मंडरी, नट बेड़िया का रूप धर के चले गए काम सा के घर, अरे अल्लाह ने जो चाहा होगा सभी। क्यों नहीं चाचा, अरे अल्लाह ने जो चाहा होगा फते मंडरिक। हाँ चाचा जी, हम सब इसी वक्त हाँ नट का भेष बना करके चलेंगे काम शाह के दरबार की तरफ। सुनो, तुम कसक के हो चाचा। अरे जा कहूँ देखो अंगता मंगता बना दे, कहूँ नट बेड़िया बना दे, कहूँ साधु महात्मा। हम नट बेड़िया न बनबे, देखो हमारा ऊंच जात। हाँ देखो रूपन, हाँ? हम लोगों को काम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो भेष ही बनाना पड़ेगा। अगर भेष नहीं बनाएंगे तो जैसे उदयराज की जान संकट में हम लोगों की भी पड़ सकती है। हाँ, हम लोग नट बेड़िए का भेष बना करके अपना काम पूरा करके वापस आए। हाँ चाचा, आओ हम इसी वक्त चलते हैं। रूपन आओ चाचा के साथ, इसी वक्त चला जाए। चलो पहले नट बेड़िया बन ले। हाँ चलो चलो, चलिए चाचा जी चलो। अरे नबी अपना जलवा देखाई हो कि नहीं, नबी अपना जलवा देख।
पिताजी, आओ मैं देवी माँ के मंदिर आ गया। ये देवी माँ सामने है। हाँ, माँ भवानी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका अंबिका चंडिका भवानी के दरबार में आज मंडरी अरदास कर रहा है कि हे जगत जननी जगदम्बिका अंबिका चंडिका भवानी, दुख मुसीबत सारे संकट काटो। आरतयांबे माते तुम्हारी, आरतयांबे माते तुम्हारी, माते तुम्हारी, आरतयांबे माते तुम्हारी, आरतयांबे माते तुम्हारी, आया हूँ मैया शरण तुम्हारी, आया हूँ मैया दुखियों के दुख को हरती हो, दुखियों के तुम को हरती हो, ओ दुखियों के दुख को हरती हो, दुखियों के दुख को हरती हो, हमारी आरतयांबे माते तुम्हारी, आरतयांबे माते तुम्हारी, आरतयांबे माते दम सरल तुम्हारी। बोलिए दुर्गे मैया की जय। कट सारे डाल दूं और सुनो बना पर राय, बिंदल का सर काट कर जो तुम दे चढ़ाए, और ये खप्पर भरो हमारा हो वे तुमको अगर ब्रात उदल प्राणों से प्यारा, मोह त्याग बनकर निर्मोही लेके हाथ उधारा, भोग हमारा देव मनोरथ पूरन करूं तुम्हारा, फते बूंदी करवा दूं सकल मनोरथ सफल करूं, उदल की कैद छुड़ा दूं। मंडरे काल है। जी चाचा जी। सुना आपने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका अंबिका ने क्या कहा? सुना पिताजी। क्या बात बेटा? देवी माँ ने कहा जो सुना आपने, दूर दिल से करो सारी परेशानियाँ, भगवती माता का अब तुम खप्पर भरो, काट कर सर चढ़ा दो हमारा पिता। देवी माँ दुर्गे अम्बे का खप्पर भरो और काट कर सर चढ़ा दो हमारा पिता। हिंदल पिताजी क्या कह रहे हो? मगर देवी माँ जो कहा वो ठीक कहा है। अगर देवी माँ को यही मंजूर है तो मेरा सर काट कर और देवी माँ के चरणों में भेंट कर दो। भैया हिंदल बिटवा तो। देवी माँ अगर तू यही मांगती है तो मैं अपने बेटे हिंदल
कबलदान जरूर दूंगा। तुम बौरा गए हो या का बक्कत हो, हम पांच न देवे इंदल के बलदान। चलो लौट चल भाई। अरे पिताजी तुम बेटा तो जो कहा देवी जी ने और सुना अपने जो कहा देवी। देवी माने सुना अपने वो वचन पूरा करके दिखा दूंगा मैं। तुम ना काटोगे सर गर हमारा पिता काट कर सर मैं अपना चाहा दूंगा मैं। बोलिए आदिशक्ति जगदम्ब की, बोलिए आदिशक्ति जगदम्ब की। शाशा जी आओ, अब देवी माँ की मंदिर से चला जाए। बहुत अच्छी बात है। माँ शक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका अंबिका चंडिका भवानी के दरबार में इंदल का बलिदान हो गया। आओ चलते हैं हम लोग। छे माँ करबला की जमी खूब रोने लगी, करबला की जमी खूब रोने लगी, जब किया ले मोहम्मद का घर लुट गया। करबला की जमी खूब रोने लगी, करबला की जमी खूब रोने का घर लुट गया। दोपहर को चलाई समर में छुरी, दोपहर को चलाई समर में छुरी, जंग मैदान में उनका सर लुट गया। करबला की जमी खूब खून से सुर्ख थी, करबला की जमी जुल्म सहते रहे मुंह तक उठता नहीं, तोड़ कर फेंकी बानों ने सब चूड़िया, तोड़ कर फेंकी सब चूड़िया, जंग मैदान में उनका पिसर लुट गया। करबला की जमी खूब देख रही। अरे तो कहाँ गई ले? या मासा का छक्का लागत है। दे बैधार को यूं तो ही कम। चाचा या तो बोली भाषा हो गई लेकिन नाव धरा दे, कहू के नाव निकल जाओ। आप वहीं रुपन कौन किसका नाम रहेगा? हमारा नाम मंगली। अच्छा मंगली। हमारा नाम मंगली। हाँ और तुम्हारा नाम दंगली। दंगली और एक भैया छोटके लाखन भैया का नाम जंगली। अच्छा इनका नाम जानता था? कोई का चच्चा का? चच्चा का नाम। हाँ चच्चा का नाम निर्दली। हाँ निर्दली। हाँ अच्छा सबका नाम लेकिन नाम न ले जाए इनका, सबको कहे वत्ताज गुरु भाई। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हम तुमका कहा भाई बड़े भाई। हाँ हाँ हमका तुम का कही हो?
सब सबसे छोटे भाई। क्यों नहीं हैं? आओ फिर कुछ गाते बजाते चलो। चलो गाओ नहीं से चलो। काला कमर वढ़े दुसाला काला काजर नैनो में कहाँ भवानी भिरखा भवन लली कबो का मिली हो श्याम सुंदर तू हमका वृंदावन की कुंज गली मा तो करम की मीसी धर्म की सुरमा अरे मन की मांग सवारे अरे मुक्त कबे दिया धरो माथ पर सकल निहार त्वरा यार सिंगार गोरी काहे न की हो त्वरा मन मा बस है दिलादार सिंगार गोरी काहे न तोरे मन मा बस है दिलदार सिंगार गोरी काहे न की हो तोरे सिंगार गोरी काहे न सिंगार गोरी काहे न की हो तोरे मन मा बस है दिलादार सिंगार गोरी काहे न की हो तोरे मन मा बस है दिलदार सिंगार गोरी सिंगार गोरिया काहे न सिंगार गोरिया काहे न की हो तुम्हारे मन मा बस है दिलदार सिंगार गोरी काहे न की हो बस है दिलदार सिंगार गोरी तो गहना तोरे अजब बने है अंबर पुरी सोनार अरे नियम धर्म के पायल पहनो अपने स्वामी का सुनायो झनकार सिंगार गोरी काहे न की हो तोरे मन मा बस है दिलदार सिंगार गोरी काहे अरे नियम धर्म के पायल पहरो अपने स्वामी का सुनौले झनकार सिंगार गोरी काहे न की हो तोरे मन मा बस है दिलदार सिंगार गोरी काहे न की हो तो कहाँ तो मुहैया दीन पुकारी झूठा जग संसार कहा तो मुहैया दीन पुकारी झूठा जग संसार अरे ये पद का जे अरथ लगावे वह संत होशियार सिंगार गोरी काहे न की हो तोरे मन मा बस है दिलदार सिंगार गोरी काहे न नटो मिर्दार पहले तुम लोग ये बताओ कि इसके सिवा और कुछ जानते हो या इतना ही जानते हो? मिर्दार हम बहुत कुछ जानते हैं। मतलब हम कुत्ती लड़े जानते हैं और अब कला जानते हैं और एक चला जाए दूल्हे के आवेले मतलब एक जाए दूल्हे के आवेले मिर्दार लंबरदार ये सही बात है लंबरदार। अच्छा तो हाँ लंबरदार मेरी बात सुनो और तबियत अब खुश मेरी करो दिखला कला कमाल तो तबियत खुश मेरी करो अब दिखला कला कमाल और सात पुष्ट तक खाओगे इतना दूंगा माल।
तबीयत खुश करने का और तरीका। अर करो खेल से खुश जो तबीयत हमारी, करो खेल से अब खुश जो तबीयत हमारी, अर नटो तुमको इनाम दूंगा मैं भारी। सुन रहे हो? आनंद मजा सुन, कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद मजा तो कमाल लगे बच्चे जी, तो कहीं मांगने की अब जरूरत नहीं है, और तमाचा शुरू कर दो होती अबारी। तो एक बात ज्ञान रहे, क्यों नहीं लंबरदार? का सूरज है और ये हमारे पिताजी कामशाह है। ये लंबरदार, लेकिन दुआई हो लंबरदार, अगर हमें वो कला दिखाओगे जो अभी अभी आप बोले हैं, क्या कहा था? एक जाता है उड़ के तो आते हैं तो आता है, और दो जाता है चार आता है। हाँ, चार। इतना इनाम दूंगा ठीक कि तुम्हारी सात पुस्तक खाते खाते फाना हो जाएगी, मर जाएगी की दुहाई हो, लेकिन धन नहीं होगा। चलो दिखाओ दुहाई हो अरे। दिखा दे लंबरदार का चार कला यही सही। ये दिखा दे मार दे चार बैठी मोर खमता उठाई मोर खमता उठाओ लंबरदार क्या देखते हो? अबे नटराज लंबरदार, एक बात बता। तू साले पहलवानी कर रहा, डल बैठक लगा रहा है कि उड़ने जा रहा है? उड़ने जा रहे हैं मतलब तेरे दंड बैठक लगाने से पंख निकलते हैं? पंख नहीं निकलते, हमारी शरीर हल्की होती है। शाबाश, हल्की जैसे। चल दिखा। दिखाएं? देखो हम लोग नटबेलिया हैं, हमारे लोगों के पास कई उद्यम हैं, डल बैठक भी लगाते हैं, उड़ना भी जानते हैं, एक जाता है दूसरे को लेकर आता है। यही चाहिए मुझे, बस यही, यही। तो आप बैठे लंबरदार, हम लोग सारी सेवा करेंगे आपकी। जादू बा तुहरे घर नवा माँ, जादू बा, जादू बा तुहरे घर नवा माँ, जादू तुम्हारे घर नवा माँ, जादू बा, जादू बा तुम्हारे घर नवा माँ, जादू बा। राजा खियलई शिकार गए जंगल माझा रहुआ भाई तकरार निकर परी तलावार गवा धनुहा पापान जादू बा, जादू बा तुम्हारे घर नवा। राजा खियलई शिकार गए जंगल माझा रहुआ भाई तकरार निकल परी त